गदर फिल्म में सकीना का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। फिलहाल गदर फिल्म के लीड एक्टर सनी देओल के घर में कुछ ऐसा माहौल है। तो वहीं एक्टर अमीषा पटेल 2 चेक बाउंस होने के मामले में फंस चुकी हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दरअसल साल 2017 में हरमो हाउसिंग कॉलोनी में एक कार्यक्रम के दौरान एक्ट्रेस अमीषा पटेल की मुलाकात बिजनेसमैन अजय कुमार सिंह से हुई थी। आरोपों के मुताबिक 2017 में एक्टर अमीषा पटेल ने बिजनेसमैन से देसी मैजिक नाम की एक मूवी बनाने के नाम पर 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाए थे, लेकिन न तो एक्ट्रेस ने फिल्म बनाई और ना ही पैसे लौटाए। वहीं एक्टर ने इसके बाद जब 2 चेक दिए तो वो भी बाउंस हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक एक्ट्रेस के 2.5 करोड़ और 50 लाख रुपए के 2 चेक बाउंस हो गए। चेक बाउंस हुए तो बिजनेसमैन ने रांची कोर्ट में मामला दर्ज करवाया। करीब 3 साल पहले झारखंड की राजधानी रांची की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल और उनके सहयोगी के खिलाफ वारंट जारी किया था, जिसके बाद रांची सिविल कोर्ट ने अमीषा पटेल के खिलाफ 2 वारंट जारी किए थे। पहला वारंट 6 अप्रैल 2023 और दूसरा वारंट 20 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। गौरतलब है कि इसी मामले में करीब 9 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की थी, जिसमें कोर्ट ने अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के मामले में फौजदारी कार्यवाही पर रोक लगाई थी, लेकिन कहा था कि परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 यानी कि चेक बाउंस के तहत दंडनीय अपराध के लिए कानून के अनुरूप कार्यवाही की जाए। इसके बाद एक्टर धोखाधड़ी के मामले में रांची सिविल कोर्ट में पेश होने पहुंची, जहां पर अमीषा पटेल ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद अदालत ने उन्हें फिर से 21 जून को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहां गदर 2 रिलीज होने वाली है और फिल्म के तारा सिंह यानी कि सन्नी देओल जहां अपने बेटे करण देओल की शादी के फंक्शंस में बिजी हैं, नाचते दिख रहे हैं, सब बहुत खुश हैं, वहीं उनकी को एक्टर रह चुकी अमीषा चेक बाउंस के मामले में फंसती नजर आ रही है। अब इससे फिल्म पर कितना फर्क पड़ेगा या भी नहीं, ये तो वही फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।